हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज काफी दिन बस्तर दशहरे के बाद आज मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, तो मुझे भी काफी ज्यादा मतलब अच्छा सा लग रहा है क्योंकि इतने दिन हो गए हम आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाए। और पिछले कुछ दिनों से हमारा जो चैनल था वो भी थोड़ा सा अच्छा बूम पकड़ा था, बट अब फिर से डाउन हो गया क्योंकि बस्तर दशहरे की वाइफ खत्म हो गई। तो माता जी की डोली यहाँ पे तो आ गई, लेकिन बट हम उस दिन कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि अभी कुछ दिनों से शेड्यूल जो है ना बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं और सब चीजें देखनी पड़ रही है। अभी का समय हो रहा है 11 बज रहे हैं, 11 बजे। उसके बाद 11 बजे का अभी सीन बना लिए हैं कि हम जाएंगे अभी शॉप शॉप में जाएंगे, वहां बैठेंगे शाम तक। रहने का रीजन ये है कि नैना जी गई हैं जगदलपुर, कल चले गए थे वो क्योंकि दिवाली आ रही है। दिवाली पता है आपको, दिवाली में शॉपिंग वॉपिंग बहुत खर्चे होते हैं, तो बस दुकान का कुछ कुछ सामान था। तो नैना भी गई है जगदलपुर, और जगदलपुर अभी जाना पड़ेगा मेरे को लेने के लिए क्योंकि आज का दिन एक करवा चौथ। तो पहले तो ये शक्ल देख के आप लोगों को थोड़ा थोड़ा तो बदला बदला सा नजर आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। लोग बोलते थे कि मेरे को कि भैया यार बाल कटवा लो, दाढ़ी सेट करवा लो, तो हमने दाढ़ी ही हटा दी। ना दाढ़ी रहेगी ना सेट होगा, लेकिन बट ये दाढ़ी बढ़ेगी तो फिर रखेंगे, ऐसा नहीं है कि उड़ा दिए। और कई लोगों को लग रहा है कि करवा चौथ है इसलिए भैया जी एकदम स्मार्ट बन के घूम रहे हैं, मतलब कोई बोल रहा है गुड्डू बन गए हैं, कोई बोल रहा है लड़का बन के घूम रहे हैं, मतलब सबकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे को तो याद भी था कि करवा चौथ, तो मैंने इसको करवा लिया। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना जब जिसकी शादी हो जाए करवा चौथ है तभी वो इतना सदस के रहे हैं। करवा चौथ के दिन तो कुंवारी लड़कियां भी उपवास रहती हैं, बहाना क्या देती हैं घर वालों को, पेट दर्द कर रहा है। तो ये कुछ बात है यार, मानने से सब कुछ होता है, ना मानो तो कुछ नहीं होता है। वैसे हमने ये करवा चौथ के लिए नहीं कराया है, तो अभी चलते हैं बिना देरी करते हुए। गाड़ी थोड़ी सी गंदी है, कार उसको साफ करते हैं और उसके बाद यहाँ। तो गाड़ी का हाल कुछ ऐसा हो रखा है, कई बस्तर दशहरे के बाद से हमने निकाली नहीं है। चलो साफ ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम आपको। बाय। बहुत दिन हो गए आप लोगों ने दंतेवाड़ा भी नहीं देखा है, तो आज दंतेवाड़ा जगदलपुर दोनों दिखाएंगे। लेकिन जगदलपुर जाना है, काम करना है, नैना जी को लेके आना है और उसके बाद करवा चौथ करना है। तो करवा चौथ तक रुकिएगा आप लोग, ठीक है। हमारी छोटी छोटी सी लाइफ में जो भी चीजें होती है वो चीजें हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम आपके साथ साझा कर सकें। तो बस कैसा लगता है आप लोगों को एक बार जरूर बताइएगा। बाकी ठीक है यार, चलो बहुत का समय हो गया है, 2 बज चुके हैं, 2 बज गए हैं। तो अभी 2-3 घंटे और बैठूंगा मैं शॉप में, उसके बाद निकलूंगा आज जगदलपुर के लिए। तो दिवाली की सारी शॉपिंग हो गई है, नैना जी से बात हो गई है, तो करवा चौथ भी अब वापस घर आके करना है। तो बस ये थोड़ा सा सीन है, थोड़ा सा ताम झाम है, झोल भी है, तो लेकिन मज़ा काफ़ी है, एक्साइटिंग हो है भी क्योंकि फिलहाल इतने दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है एक बार बताइए, और वीडियो की शुरुआत हो ही गई है तो एक बार आप लोगों से पूछना ही बनता है, एक बार आप लोगों से पूछ भी लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप भाई की तरह एकदम मस्त होंगे और एकदम मस्ती रहना है फुल ऑन पावर में। तो बस अब यहाँ से जो कंटिन्यू ब्लॉग आगे आप लोग देखेंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी सब बढ़िया है। फाइनली जाके अभी टाइम हो गया है 4:30। नैना से बात हो गई मेरी, नैना ने बोला कि सारे सामान वामान हो गए हैं, आ जाओ। तो अब हम अभी निकल गए हैं दुकान से निकले हैं, तो अब जाते हैं जल्दी से सामान वामान डालते हैं और उनको भी लेके आते हैं क्योंकि आज करवा चौथ की तैयारी भी करनी है। तो बहुत सारा हेडेक हो जाता है यार, लेकिन सच बताऊँ तो कितना काम करती है यार लेडीज, सैल्यूट है। तो अभी हम पहुंच गए हैं बड़े किले पाल, इतना चलते चलते, लेकिन मौसम बड़ा ही प्यारा हो रखा है यार, सनसेट टाइप का। ऐसा लग रहा है कि जगदलपुर में ना पानी गिर रहा होगा कंफर्म, क्योंकि बादल पूरे के पूरे ना उस साइड ही काले काले दिख रहे हैं, मौसम लेकिन कतई जहर। और अभी का समय भी ज्यादा नहीं 4:56 हो गया। जिसने ना ये सारे पर्व बनाए ना कुछ सोच समझ के ही बनाए होंगे लगता है मुझे, कभी ऐसा पर्सनली बोलूं तो। मतलब पहले हम लोग मम्मी को देखते थे कि मम्मी और पापा कब ऐसे पापा लोग को देखते थे, हर कोई इस पर्व को मनाता है, बाकी
बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बनाते हैं, लेकिन उनके मन में इच्छा हो जाती है कि इसको बनाना चाहिए। मतलब आज के डेट में क्या चल रहा है, जैसे मान लो उनका मराठियों का जो पर्व होता है वो मराठी तेलुगु लोग भी इंजॉय करते हैं, और जो तेलुगु का पर्व होता है वो लोग मराठी लोग भी इंजॉय करते हैं, और हम तो छत्तीसगढ़ वाले वासी हैं तो छत्तीसगढ़ में हर परंपरा हम लोग एकदम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो बस काफ़ी अच्छा लगता है यार, मतलब हमारे ब्लॉग के माध्यम से हमारे मन की भावनाओं को हम आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। ये चीज़ हमारे पास अच्छी चीज़ है, प्लेटफॉर्म है। तो बस यही कुछ सीन है, और हम पहुँच गए बात करते करते कोड़ेनार। कहा ही था कि पानी गिर रहा होगा, और यहाँ पे रोड में रोड पूरी की पूरी गीली हो रखी है, पानी गिर चुका है ऑलरेडी। क्या से क्या हो गया, तो फाइनली जगदलपुर पहुंच गए। अब बस बारी है नैना तक पहुंचने की, नैना तक पहुंचते हैं और उसके बाद मिलते हैं और मिलाते भी हैं, सामान वामान पूरा रख लेते हैं, क्योंकि वापस यहां से वापस दंतेड़ा वापस भी निकलना है। ये देखो ये भी मिल गई अभी हमको, तो अभी और पीछे पूरा सामान भर गया गाड़ी में, तो अब कुछ नहीं करना, चलो स्कूटी में आओगे। तो चलो जगदलपुर का काम भी हो गया, अब बस यहाँ से वापस निकलना है, वापस निकल के पूजा की तैयारी करनी है। चलो तो गाइस हम वापस घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचने के बाद इतनी ज्यादा हड़बड़ासी हो गई है ना कि सारा जो सामान है इधर उधर बिखरा पड़ा है, जो जो सामान लाया वो भी इधर बिखरा है, और पूजा की तैयारी भी कुछ ऐसे कुछ चल रही है। चीज तो बताना भूल ही गया कि आपका भाई तैयार तो हो गया, लेकिन आज तैयार में पहना क्या है, कुर्ता पजामा। काम लेकिन पूजा से हटके हमारा काम है चांद को देखना, और चांद तो हम दिख रहे हैं आज, ऐसा लग रहा है। चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं चांद है कि नहीं। तो गाइस हो ऐसा रहा है कि दो दिन से कंटिन्यू चांद दिख रहा था, और नैनक में टोकते टोकते यार था कि करवा चौथ के दिन चांद नहीं दिखेगा, और सच में चांद नहीं है, पूरा आसमान खाली। क्या छत पे चलते हैं, छत पे भी देखते हैं। बाकी यार मैं तो लिटरली बताऊं कि मैं तो सुबह से ना भूखे नहीं रह पाता यार, मतलब बीच बीच में रह लेता हूँ, लेकिन आज का दिन था ना जो, मतलब इतनी ज्यादा लिटरली भूख लग रही थी ना कि मैं सुबह जाकर डोसा खा लिया, उसके बाद भी फिर जगदलपुर जब लेने गया तब भी एकदम लिटरली इतनी भूख लगी, तो कुछ ना कुछ तोड़ ताड़ के खा के आ रहे, लेकिन नैना सुबह से कुछ नहीं खाई है, पानी बिना पानी के, समझ जाओ यार। चलो ठीक है, बस पूजा की तैयारी हो जाए, हम चांद देख रहे हैं, चांद दिखेगा तो ठीक, नहीं तो जय श्री राम। बाकी सुबह से उपास धन्य हो, जब बोलते हैं जो हम कर सकते हैं वो जो हम कर सकते हैं वो आप लोग नहीं कर सकते हो, वही चीज बोलने वाला था यार, बोलने भी दिया करो, ये पूरा होने ही नहीं दिया यार, इन्होंने बोल दिया, चलो कोई नहीं, आज के लिए सब माफ है, साफ करना फिर आज के लिए माफ है। अरे ये सब नहीं, ये पीछे का छोड़ दो यार, अभी आए हैं हड़बड़ी जी में, तो समझ सकते हो कितनी भावना को ठेस पहुंचेगी अगर ऐसा बोल दिया ना। भावना का तो नहीं पता, पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे चल रही है पूजा की तैयारी, जब तक ये पूजा की तैयारी करती हैं तब तक हम खोज रहे हैं चांद को, भी पहले खोज के आए लेकिन नहीं दिखा, तो अभी जा रहे हैं फिर से खोज लेते हैं, अगर दिख जाता है तो ठीक है, वरना आज हमारी शक्ल तो चांद के बरोबर ही दिख रही है हमको लग रहा है। मैं सच्ची बताऊं पूरा शेविंग करा के अलग ही मतलब फेस हो गया है, तो पूजा की तैयारी करो, मैं जा रहा हूँ चांद देखने, तुमको हमसे थोड़ी मतलब है, चांद से मतलब, अरे मेरे चांद तो आप ही हैं, मैं तब भी चांद देखना पड़ेगा, नहीं जाऊँ फिर, अरे मतलब ठीक है, नहीं निकलेगा चांद, फोन आ जाएगा चांद निकलेगा, देख रहे हो कॉन्टेक्ट दूर तक है सीधा, लोग वहां घर बना रहे हैं, हमारी बीवी तो बात कर रही है सीधा चांद से। चलो ठीक है यार, जस्ट किडिंग। पूजा की तैयारी तो चल रही है, लेकिन हमको लग रही है भूख फिर से, तो हमारे सामने मिठाई, लेकिन मिठाई को अभी हम देंगे पहले पूजा में, पहले भगवान जी को भोग लगेगा उसके बाद हम खाएंगे, मेरी गलती नहीं है यार। मेरे आप में से जितने लोग की शादी हो गई है और आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो आप लोग मेरे को एक चीज बताइएगा कि आप लोगों को क्या चीज याद आई, मेरे को क्या चीज याद आई, मैं आपको बताया था गाड़ी में चलते चलते कि जब मम्मी पापा लोग ऐसा पूजा करते थे आस पड़ोस में ऐसे देखते थे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ये लोग, चलनी से इसको आटा छानते हैं, लेकिन इसको देख कैसे हैं, क्या होता क्या है, आज जब हमारे साथ होता है तो हमको ऐसा लगता है कि बड़े
बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, बाकी पूजा स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे चल रहा है स्टोरी टेलिंग। लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब वह पति पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और मित्र शाम को सातों भाई भोजन करते बैठे तो उन्होंने बहनी को प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाले देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करें। स्टोरी तो पढ़ लिए, स्टोरी हमको हमने भी सुन ली। कहाँ क्या प्लान है? अभी चांद का है। चांद देखना है। ओके। तो गाइस अब ये हमको मैंने देखा कि चांद दिख रहा है तो हम जा रहे हैं छत के ऊपर। छत के ऊपर चलिए, आप लोग को दिखाते हैं। गाइस वो देखो चांद एक ऊपर में अभी दिख गया आज सबको। ये जो पूजा है ये उनके लिए है। तो फाइनली ये सीन हो गया। अब हम आए हैं कि नहीं वो हमारा अलग मैटर है। तो आशीर्वाद हमने पूरा दे दिया है। लो 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 लो। और अब इनको कराना है हमको जो इनका जो व्रत था ना वो अब टूटेगा। पानी नहीं पिए वहाँ के समय बहुत, जैसे मेरे को वीडियो बनाने की डेडिकेशन चाहिए वैसे इन लोग को उपास रहने के लिए डेडिकेशन। तो बस अब हम शुरुआत करते हैं काजू की कतली से। थैंक यू। और मेरा गिफ्ट गिफ्ट जय माता दी हमारा गिफ्ट दो सब ये सब चीजें चलो बाय बाय। हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ लेडीज। तो चंदा मामा बाय बाय, थैंक यू आपका दिखने के लिए, क्योंकि बहुत तकलीफ देते हो आप कभी कभी नहीं दिखने हर साल में। पर बहुत अच्छा निकला। हाँ इस बार जो है एकदम इजीली नहीं पूछ रहा है तुमको देखी तो। यही तो कला है। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से गीदम के लिए। गीदम चलते हैं, खाना वाना भी वही नदी। अभी गीदम पहुँच गए, दोनों बहन उधर खड़े हुए हैं। तो इन लोग आते हैं तब आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। भूख लगी है, पेट का सवाल है, पापी पेट का। तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या खाएंगे। वैसे तो वेजी खाना है आज। फाइनली अब हमारा खाना शुरू हो गया। आगे खाएंगे कि हमारे साथ कौन कौन आया वो भी बताता हूँ मैं। वहाँ चल रहा है कुछ और ही चल रहा है। वहाँ चल रहा है फोटो सेशन, क्या ही बोले अब फोटोग्राफर अपने रुस्तम भाई। हाँ करवा चौथ के दिन मैच हो रहा है तो उसपे तो मैं मेम भी आ गया है। और स्वामी सुबह से कैसे भूखे रही तू? हाँ सूख के काटा हो गया। देखो ना इसके फ्लावर्स। हाँ पतले हो गए होगे एक दिन में ना। बोलना नहीं है पहले आज। तो बस हो गया अब खाना। अब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है दोनों को? बहुत अच्छा, सुकून मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज का। वैसे है क्या ये स्वीट कॉर्न चिली? देखिए चलो खावा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं अपन आके टेबल है। भूख लगी तो खाना ना खा के आ गए हम लोग। काफी अच्छा लगा, मतलब सबके साथ डिनर हो गया, मतलब मजा आया। तो आज का दिन कैसा था? आज का दिन बहुत अच्छा था। इस दिन पर लेंगे ना जगदल में पूरा काम ही काम। हाँ इसलिए बोलता हूँ बाहुबली।
तो ठीक है गाइस, इस वाली वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो करना कुछ नहीं है, प्यार लाइक प्यार कमेंट, और अगर अच्छा बनाए अच्छा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। थोड़ी सी हमारी फैमिली भी बड़ी होगी तो हमको भी अच्छा लगेगा। बाकी ठीक है भाई, ठीक है, मजा काफी आया होगा आप लोगों को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाली किसी बढ़िया सी वीडियो में।